हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू योर चैनल इन बिहार रवि। फ्रेंड्स, आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट इन दिस वीडियो अबाउट सेल्फ बीपीएस पीओ 2024 सेल्फ गिवन एग्जाम एनालिसिस। आज 19/12 तो मेरा फोर्थ शिफ्ट में एग्जाम था, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या आया था। तो रीजनिंग में मैंने कितने अटेम्प्ट किए हैं, 26 अटेम्प्ट किए हैं। और फर्स्ट डे बेस्ड मंडे टू सैटरडे था, जिसमें 6 कैंट्री वेरिएबल था, जिसमें 6 कैंट्री का नाम दिया था, ठीक है। ये आसान था, इसको मैंने बनाया है, ठीक है, 5 क्वेश्चन। उसके बाद 14% थे पैरेलल रो में, 7 फेसिंग नॉर्थ, 7% फेसिंग साउथ, और नॉर्थ फेसिंग पर्सन ए बी सी डी एफ जी जी तक था, और जी लास्ट में सबसे पुट करना था। पी क्यू आर एस टी ये सब साउथ देख रहे थे, ठीक है। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था, ये भी बन गया था, 5 नंबर था। नेक्स्ट था अननोन, सॉरी फर्स्ट क्वेश्चन ही था अननोन लीनियर रो, इसमें 3 क्वेश्चन था, ठीक है, इसको मैंने अटेम्प्ट नहीं किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था ईयर बेस्ड क्वेश्चन, उसको मैंने देखा और स्किप किया मैंने, इसको लास्ट में अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था फ्लोर एंड फ्लैट, इसमें 4 फ्लोर था, फ्लोर था एंड 2 फ्लैट था, पी एंड क्यू, इसमें 5 क्वेश्चन, ये बहुत आसान था, इसको मैंने बनाया है, ठीक है। और मैंने एक पेपर एग्जाम हॉल से बाहर भी लेक्चर आया है, जिसमें आप देख सकते हैं फ्लोर एंड फ्लैट्स मैंने बनाया था, उसमें 4 फ्लोर था, 4321 एंड 2 फ्लैट पी एंड क्यू एंड 2 पॉसिबिलिटी लिया है, जिसमें एक पॉसिबिलिटी लास्ट में कट चुका था, ठीक है। अगर आपका भी ये आंसर आया होगा, अगर लास्ट में नीचे एच और ए बॉटम फ्लोर पे आया है, तो समझिए सही है। और इसमें एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा गया था कि हु लिव्स बिलो द ए फ्लोर, ठीक है, ए फ्लोर के नीचे कौन था, तो इसके नीचे कोई भी नहीं, तो ऑप्शन वहाँ था कि नो वन, बिकॉज इसके नीचे कोई था ही नहीं, तो आंसर नो वन था, ठीक है। नेक्स्ट और पेयर बेस्ड क्वेश्चन था, जिसको मैंने लिख लिया था इसमें, तो मैंने हाथ पे भी लिखा था, ये अटेम्प्ट लिखा मैंने 26, 23 एंड 21, टोटल मेरा 70 अटेम्प्ट हुआ, और इसमें पेयर भी लिखा था, क्वेश्चन दिखाते हैं, ठीक है। ये मैंने मैथ का भी सवाल इसमें लिखा हुआ कुछ, तो इस तरह से ये सिटिंग यूनिट एंड पजल का हो गया, जिसमें 5, 5, 10, 20, 3 था, 23 मार्क्स का आया था पजल एंड सिटिंग यूनिट मिलाकर, और 12 मार्क्स का आया था मिसलेनियस, मिसलेनियस में पहला आया था, जिसको मैंने यहाँ भी लिखा था और एग्जाम हॉल में भी लिख दिया है। तो ये 3749-2581, इसमें बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड काउंटिंग बताना था कितने हैं, ठीक है। तो मैंने कौन किया, मैंने टिक किया था 4, ठीक है, 4 सही भी है। नेक्स्ट है डायरेक्शन 3 क्वेश्चन, जिसमें अधिकतर कई बार लेफ्ट लेफ्ट घुमाया जा रहा था, और घुमाकर एक उसके अंदर ही घुमाया जा रहा था, ठीक है। इसमें एक आंसर आया था फर्स्ट क्वेश्चन का 4 मीटर, नेक्स्ट का 2 मीटर एंड एक कोड वन और पूछा गया था, ठीक है, उसमें, ठीक है। 3 क्वेश्चन बहुत आसान था। नेक्स्ट था सिलॉग 3 क्वेश्चन, विदाउट डायग्राम बन जाता है, और नेक्स्ट ट्रिंकलिटी था, शायद इसमें एक क्वेश्चन आइदर और का भी आया था, और एक मिशलेनियस आया था नोट्रेसियस, जिसमें भोवेल को प्लस वन करना था और कॉन्सोनेंट को माइनस वन करना था। इसके बाद बताना था थर्ड फ्रॉम राइट, थर्ड फ्रॉम राइट कौन सा होगा, ठीक है। उसमें आंसर क्यों आया था, क्योंकि इसमें अगर इसको अगर भोवेल और कॉन्सोनेंट दोनों चेंज होता है, ठीक है, तो हम जरूर नहीं उसको पहले अरेंज करेंगे, उसको पहले जो आंसर पूछा गया उसको आप लिख ले पहले। तो पहले क्या आता टी एस आर और थर्ड बताना था, तो यहाँ पे आर आ रहा है, तो आर को अब उसके बाद चेंज कर सकते हैं, तो आर को चेंज करेंगे माइनस वन, तो क्यू आंसर क्यू आया था, तो आपका सही है, ठीक है। अगर आप कुछ और आया तो आंसर दे सकते हैं कमेंट में। ये नेक्स्ट था मीनिंगफुल वर्ड, उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट लिखा हुआ था, उसमें बताना था फर्स्ट का फर्स्ट वर्ड और फिफ्थ वर्ड, एट नाइन्थ वर्ड लेना था, उससे एक वर्ड बना था क्यू, लेकिन मैंने उसको टिक नहीं किया, सबसे लास्ट में करने के लिए छोड़ा था, उसको मैंने लिखा था इसको, ये एग्जाम हॉल का पेपर है। तो सी टी यू ई इस तरह से मैंने लिखा था, फर्स्ट का सी, फिफ्थ का टी एंड एट ई एंड नाइन ई, ठीक है, सी टी यू ई से वर्ड बना था, मैंने बनाया सी यू ई टी नहीं बना, कुछ टी यू सी ये नहीं बना, सी यू टी जैसे ही मैंने लिखा था समझ में आ गया, हाँ सी यू टी क्यू टी बनेगा, जैसे ही मैंने उसको क्लिक करने जा रहा था टाइम और, ठीक है। नेक्स्ट इस तरह से मेरा टोटल रीजनिंग में 26 अटेम्प्ट हुए, ठीक है। अपना अटेम्प्ट शेयर कर सकते हैं इन कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट
इतना रीमिंग का मेरा एक इसमें एक ही पदे बना हुआ है, उसके बाद एक ही कुछ डाटा नोट इसमें सेल पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ हो गया था। ठीक है, क्योंकि मैंने डाटा कुछ ही नोट किया है, अगल बगल और भी पीछे एक ठीक है, एक एक अगल बगल इसके बाद फॉन्ट। नेक्स्ट आते हैं इंग्लिश इंग्लिश में क्या पूछा गया था, इंग्लिश में आशित था एथेंस में द ग्रीस गवर्नमेंट के बारे में, जिसमें एथेंस बैन ऑन न्यू लाइसेंस फॉर शॉर्ट टर्म रेंटल्स के बारे में लिखा होता है। इसका एक आंसर भी था, मैंने टिक किया था शॉर्ट टर्म रेंटल्स। ठीक है, उसमें और वर्ड सैनिम सेंटोनिम्स आए थे सेम मीनिंग, तो हार्ड उसका आंसर मैंने टफ लगाया था, ये शायद सही होगा। मेजर का था, एक मेजर का सेंटेंस बताना था, एक रिकॉर्ड रिकॉर्ड को बताना था। ठीक है, इसमें एक फिल इन द ब्लैंक्स भी था, उसका आंसर मुझे अभी याद नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट था पाराजम्बल, मैंने पाराजम्बल को बनाने के लिए मैंने डाटा नोट भी कर लिया था, फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 पे कौन सा होगा, तो उसमें ऑप्शन आप चार सकते हैं कि पहला पूछा गया था फर्स्ट कौन सा, पहले फोर्थ कौन सा होगा, तो बी नहीं होगा फोर्थ में, ई फर्स्ट में नहीं होगा, डी सेकेंड पे नहीं होगा, लास्ट में ए नहीं होगा। ठीक है, या तो ए या बी से शुरू हो रहा था, इस प्रकार मैंने शुरू किया था लेकिन सोचे क्लास में बनाएंगे। ठीक है, तो मैंने टिक नहीं किया इसका एक ही नहीं। ठीक है, जिसमें टेंशन नहीं है कि सही सही हो गया गलत हो गया। नेक्स्ट है सिंगल पीरियड्स, पांच किचन था, जिसमें पहला किचन था गवर्नमेंट गवर्नमेंट इन द ब्लैंक, उस पर टेक डिसीजन था। ठीक है, मैंने ऑप्शन था टुक, तो मैंने वही मारा है टुक, गवर्नमेंट टुक डिसीजन। ठीक है, शायद वही, अगर आप लोग भी किए तो बता सकते हैं क्या सही है गलत है। और इसमें और भी कुछ था, इसमें स्टेट फैक्ट करना था, इस प्रकार से मैंने इसको पांच बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट था स्पॉटिंग रिजल्ट, इसे मैंने पांच तीन क्वेश्चन मैंने किया है, दो मैंने स्किप कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट था वर्ड यूज एक्टिविस्ट का था, इंप्लीकेट किया था। ठीक है, इंप्लीकेट। नेक्स्ट था फ्रेज रिप्लेसमेंट कुछ था, ये पहला था प्रायोरिटी टास्क और एलाइन विद और मीट विद, ये भी था। इस प्रकार चार क्वेश्चन इसका, वर्ड यूज का टू क्वेश्चन, फाइव क्वेश्चन, इस प्रकार टोटल 30 क्वेश्चन मैंने कितने इंग्लिश में कितने अटेम्प्ट किए हैं, 23 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं मैथ के लिए, मैथ और मैंने क्वांट भी कितना अटेम्प्ट किया है, क्वांट भी 21 अटेम्प्ट किए। ठीक है, नेक्स्ट इसमें अप्रोक्सीमेशन चार पांच क्वेश्चन थे, उसमें अप्रोक्सीमेशन में एक ऐसा क्वेश्चन था 64^2 / 3 एंड उसका भी कुछ था, उसका आंसर सोल्व करने के बाद 16 आया था, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, किसी का भी अगर 16 आया तो वो सही है बिल्कुल। नेक्स्ट और इसी का आंसर अप्रोक्सीमेशन में एक का 40% ऑफ समथिंग इस रूप में था और उसका आंसर आया था 250। ठीक है, अगर आया है तो आपको सही है। नेक्स्ट मिसिंग नंबर थ्री था, मिसिंग नंबर थ्री मैंने सारा रफ शीट में मेरा लिखा हुआ है, तो सबसे पहले दिखाता हूँ। पहला पहला क्वेश्चन क्या था, मैंने इस रूप में कर था, डिवाइड हो रहा था फोर से, और क्वेश्चन क्या था 864 डिवाइड फोर से हो रहा है, तो फिर 216 से डिवाइड हो रहा है दो टाइम्स, फिर 108 से 81 हो गया, तो कितना 3/4 कर रहा था, 3/4। ठीक है, तो मैंने फिर उसको इस रूप में लिखा, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4, फिर 5/4 होगा, 5/4 होगा तो फिर संख्या बढ़ेगा। ठीक है, अभी घट रहा था तो ये बिल्कुल सही था, इसका 4/4 दैट मीन्स 1 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 81 ही आएगा, इसका आंसर डायरेक्ट 81 था, ऑप्शन लास्ट में था। ठीक है, और इसको मैंने बनाया हुआ अभी 4/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4। ठीक है, इसका आंसर कितना आएगा, 81 ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप भी 81 लिखा, उसके अगला स्टेप भी 81 ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था 10 से स्टार्ट हो रहा था, मैंने लिख लिया था कौन कौन नंबर से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एक पहला 10 से स्टार्ट हो रहा था, 20 से स्टार्ट हो रहा था, एक 864 से स्टार्ट हो रहा था, एक मैंने टिक लगाया था तो नहीं लिखा यहाँ पे। और नेक्स्ट उसके बाद देख सकते हैं, एक मैंने लिखा था इस रूप में 1+1 किया था, 2 2 2+3 3+1 किया था मैंने, तो उसमें क्या था डिफरेंस निकला था 1+1, 1 8 27 64, ये सब लास्ट में 125 टीम पे जा रहा था, तो उसने 104 जोड़ना था, तो आंसर 229 आया होगा, उसको भी मैंने लिखा है, वो क्वेश्चन ये था 4 आंसर या था, उसके माध्यम से मैंने एक क्वेश्चन तैयार कर लिया, वो बिल्कुल सही था, फर्स्ट 4 से शुरू होगा, 1 × 1+ मैंने जो लिखा है वो, तो 4 5 13 14 104, 104 में फिर 125 ऐड करना, तो 229 ये राइट आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट था
नाइन सिक्सटीन एक डिफरेंस पे था, नाइन का शायद क्वेश्चन शायद अगर बीस से शुरू होगा हो रहा होगा या फिर किसी और से, एक क्वेश्चन बीस से शुरू हो रहा था, इसमें डिफरेंस था नाइन सिक्सटीन 25 16 49, आंसर किसका कहाँ पे देना था क्या नहीं। ठीक है नेक्स्ट था एक और क्वेश्चन जिसमें थ्री का मल्टीप्लिकेशन चल रहा था, थ्री थ्री माइनस सॉरी इंटू थ्री माइनस थ्री इंटू थ्री माइनस फोर इंटू थ्री माइनस फाइव इंटू थ्री इंटू माइनस सिक्स। ठीक है इसका कुछ आंसर होगा आप लोग कॉमेंट बता सकते हैं कि किसका क्या आंसर था, अभी इसका आंसर मुझे याद नहीं लेकिन ये बिल्कुल सेम पैटर्न है। अब दो क्वेश्चन मैंने आपको तीन क्वेश्चन डायरेक्ट लिख दिया, वन दो एंड ये तीसरा तीसरा ये। ठीक है तीन क्वेश्चन दो क्वेश्चन एक पे था एक डिफरेंस होता है दोनों पे, उसका आंसर क्वेश्चन याद सीरीज याद नहीं है। ठीक है और इसके बाद मेरा क्वेश्चन देख सकते हैं, एक क्वेश्चन था सिलो सॉरी पार्टनरशिप से, पार्टनरशिप पार्टनरशिप का सवाल ये है, आर एंड एन पुस्तक का नाम था, 1500 इन्वेस्ट करता है, एक 200 इन्वेस्ट करता है और आर जो है एक प्लस 3 मंथ के लिए एंड दोनों फिर उसके बाद रेशियो दिया गया था कितना इतना होता है। ठीक है तो उसके बाद सॉल्व करने के बाद अगर एक्स प्लस 3 = 8 आया होगा, एक्स और 5 आ गया। ठीक है अगर ये 5 आपका भी आया होगा तो सही है, अगर मेरा मैच करता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन था एक एक एरिया से संबंधित था रेक्टेंगल का, जिसमें खर्च दिया हुआ था उसके बाद एरिया ए पर मीटर स्क्वायर का खर्च दिया हुआ 25 / 3 7 समथिंग आएगा, फिर उसको 735 आया होगा। ठीक है 735 उसको डिवाइड 735 डिवाइड करना था, फिर उसको रेशियो दिया गया था समथिंग, हाँ रेशियो दिया गया था 105/88। ठीक है एरिया का तो ये 755 हो गया, जिसको डिवाइड करने के बाद कटेगा, कटने के बाद 88 × 7 आया तो x का मान निकल जाएगा यहाँ से, अठासी × 7 x 616 वहाँ से ये दूसरा के गया सर, x का वैल्यू निकला था 14, उसमें बोला गया था रेडियस से जो उससे 7 mod है तो 21 हो जाएगा, 21 b का हो गया 21 b, तो लेंथ निकालना था उसका एरिया तो मुझे मालूम था, उसको 35 इनपुट करेंगे तब तो लास्ट में 5 आएगा, इसको मैंने 35 लगाया था और 35 आंसर सही था। ठीक है और एक था पी करके दिया हुआ था, पी इन्वेस्ट किया जाता है और 20% CIP इन्वेस्ट किया था 20% पे। ठीक है 20% पे करेंगे तो 2 साल के लिए 44% हो जाएगा, तो 44% किया गया, उसके बाद बोला था 1.2 P इन्वेस्ट किया गया, वो इतना रुपये होता है 8640, इसको मैंने दिया गया था। और बात कर लेते हैं तो DI था, एक DI में मेल फीमेल करके बहुत सारा दिया हुआ था, उसको मैंने अटेम्प्ट नहीं किया, एक अमन अमन और रमन करके दिया हुआ था, फोर्थ सब्जेक्ट था वो इस रूप में। ठीक है 4 सब्जेक्ट था, 2 व्यक्ति थे, वो आसान लगा मुझे, उसको मैंने लास्ट में बनाया है। ठीक है फोर सब्जेक्ट अकाउंट्स मैथमेटिक्स स्टेटिक्स ये सब दिया हुआ था। नेक्स्ट 4 क्वेश्चन लास्ट में था क्या, क्वांटिटी बेस्ड गिवन क्वेश्चन था, उसको मैंने एक बनाया है। ठीक है तो इसमें मैंने टोटल कितने क्वांट में मैंने कितने किए हैं, क्वांट में 21 किए हैं। ठीक है इस तरह का टोटल मेरा 70 अटेम्प्ट हुआ। ठीक है ओवरऑल एंड इंग्लिश में एक ऐसी 80-90% हो सकता है और रीजनिंग एंड क्वांट में 100% हो गई। ठीक है ये मैंने रिव्यू दिया 19 अक्टूबर को फोर्थ शिफ्ट का, अगर आप भी 19 अगस्त को फोर्थ शिफ्ट में जाने वाले अपना स्कोर शेयर कर सकते हैं या फिर कितना स्कोर आपको बन रहा है रिव्यू अटेम्प्ट के साथ कितना अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है अगर आपका एग्जाम नेक्स्ट डे है तो ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट डे एंड कूल होकर शांति से अपना ज्ञान दीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ाई करते रहें।